देखने वाले हैं वो है कि कैसे डेटा स्टोर करेंगे हम अपने लोकल स्टोरेज में यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी यूज़ आ सकता है बाद में अगर आप लोग अभी सीख लेते हो तो। ठीक है, इसको करके देखते हैं। एक फॉर्म बनाएंगे, इसमें नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड होगा, सबमिट करेंगे। तो उसमें स्क्रिप्ट में क्या होगा, हमारे पास तीन वेरिएबल्स होंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इन तीनों फील्ड्स के लिए। इसका जो भी वैल्यू होगा गेट करेंगे, गेट करने के बाद लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करेंगे, सेव करके हम चेक करेंगे कि डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वीएलयू स्टूडियो कोड में मैं एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से ये है, एक फाइल बना लिया मैंने यहाँ पे, फाइल बनाने दो भाई। सो जस्ट मैंने एक फाइल ऐड किया है यहाँ पे, अब ये फाइल का नाम दे देता हूँ लोकल स्टोरेज। ठीक है, .html। 10 फाइल का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा कुछ दे सकते हैं। ठीक है, HTML लिया है, हेड लिया है, एंड देन टाइटल दे दे, क्या टाइटल दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिची फॉर्म यूजिंग लोकल स्टोरेज .js। ठीक है, js हो गया। अब इसका हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी में सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, बॉडी हो गया, और थोड़ा सा अच्छा डिजाइन दिखे इसलिए मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जिनको बूटस्ट्रैप नहीं आता है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली फॉर्म बना लो। ठीक है, बूटस्ट्रैप फॉर्म यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो ज़्यादा हमें काम नहीं करना पड़ेगा ऐसे में। ठीक है, इसी वाले को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ है ही। सो एक काम करते हैं, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ये जो है हमारा यहाँ से लेके, बस हमें रिमूव करना पड़ेगा, रिमेंबर मी हमें नहीं चाहिए तो उसको हम रिमूव कर देंगे। डन, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, ये सब आएंगे, हमारा सब कुछ हो चुका है। रिमेंबर मी को हटाना है तो ये चेकबॉक्स जो है आप इसको हटा दीजिए। और एक और चीज़ चाहिए हमें, यहाँ पे क्या है, ईमेल और पासवर्ड दिया हुआ है तो हमें नाम चाहिए सिर्फ एक। ठीक है, सो लेट मी कॉपी दिस, और यहाँ पे नेम कर दिया, नेम ये टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट हो गया। इसके बाद इस सबको आईडी देना पड़ेगा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट में रीड कर पाऊँ, तो इसका मैंने आईडी दिया है नेम, इसका आईडी ईमेल ही है, इसका आईडी जो मैंने दिया है वो PSW दिया है, अगर आप देखेंगे इस इमेज में तो मैंने PSW दिया हुआ है। ठीक है, PSW रीड भी कर रहा हूँ मैं, तो PSW दे दिया। ठीक है, और सब कुछ हो गया। अब एक आईडी इसको भी देना पड़ेगा, इसका टाइप मैं बटन दे रहा हूँ। ठीक है, और आईडी दे दिया मैंने सेव BTN। ठीक है, ये वाला जो बटन है रीसेट वाला मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका मेरे को यूज़ नहीं लग रहा है, बस मैंने ये अच्छा दिखे थोड़ा सा थंबनेल इसलिए मैंने रीसेट का यहाँ पे बटन दे दिया। ठीक है, बस सबमिट का बटन दे रहा हूँ मैं, दे दिया, ये भी हो गया। एक्शन को अभी कुछ नहीं करना है तो एक्शन में कुछ नहीं होगा, एक्शन ठीक है कुछ नहीं होगा, डन। और फॉर्म का नाम जो है हमारा REG फॉर्म है, सो इसका नाम दे देते हैं REG.form। ठीक है, डन। अब इसको चेक करते हैं एक बार। सो ये मेरे डॉक्यूमेंट के GitHub में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर होगा कहीं पे ये। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। सो इस तरीके का हमारा फॉर्म बढ़िया सा बन चुका है। ठीक है, अब काम आता है हमारा जावास्क्रिप्ट का, तो चलिए जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारा डेटा रीड करना है, सो स्क्रिप्ट टैग, तीन वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको इमेज दिखा रखा है। ठीक है, सो लेट नेम
उसके बाद आपका है ईमेल एंड देन PSW डन। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं। ये आ गया इसका वैल्यू। सेम तरीके से ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, सो पासवर्ड भी आ गया चुका है हमारे पास एंड ये भी आ चुका है। अब क्या करना है, हमारा लास्ट पास जो प्रोसेस है ये हमारा रीड हो चुका है। ठीक है, अब इसको मेरे को लोकल स्टोरेज में सेट करवाना है। लोकल स्टोरेज कैसे आपको पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप राइट क्लिक करके एप्लीकेशन, एक होता है एप्लीकेशन टैब ब्राउज़र के अंदर, इसमें जाओगे लोकल स्टोरेज में अभी चेक करोगे तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब डेटा सेव करेंगे तो आपको इधर मिलेगा कुछ। चलिए, सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम के अंदर सिंपली जो भी आपको की देना है। लोकल स्टोरेज में डेटा सेव होता है की और वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो होता है वो की होता है, नेक्स्ट जो आप दोगे वो जहाँ से आपको वैल्यू देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कर देते हैं अपना ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी। सेम नेम का की दो नहीं हो सकता है, ठीक है, डुप्लीकेट का इशू आ जाएगा। तो कुछ एरर तो नहीं दिखाएगा, बट जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वो आपका सेव होगा हमेशा आपके लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज जो है काफ़ी अच्छा चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रोफेशनली भी मैं यूज़ करता हूँ इसको बहुत ज़्यादा। सो चलिए, अब हमारा काम हो चुका है, अभी देखेंगे तो लोकल स्टोरेज में वो कुछ नहीं दिख रहा है, बस इधर से मैं वैल्यू सेव करने वाला हूँ अब। ठीक है, सो दैट से मैंने मुकुंद, नाम तो ये नहीं होता है भाई, मुकुंद दे दिया। ठीक है, ईमेल दे दिया एंड पासवर्ड मैं दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, सबमिट करते हैं। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, ओके, एक चीज़ का इश्यू है यहाँ पे। इशू क्या है कि अभी क्या, अगर आप देख रहे होंगे तो लोकल स्टोरेज में ये सेव हो चुका है। क्यों सेव हुआ, क्योंकि ये सब जो कोड चल रहा है, जैसे ये पेज लोड हो रहा है सब चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फंक्शन के अंदर ये सब होना चाहिए। तो चलिए, एक फंक्शन के अंदर मैं डालता हूँ, फंक्शन सेव डेटा। ठीक है, जैसे बटन क्लिक होगा उसके क्लिक पे इसको कॉल कर देंगे। डन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको इधर से रिमूव कर देता हूँ सबको, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप देखें तो कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, जस्ट मैं बटन जो क्लिक होगा वहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर मैं कर देता हूँ सेव डेटा को कॉल, डन। ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, सब कुछ हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर ईमेल ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बाद में चेंज कर देंगे। मुकुंद ये एंड 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 पासवर्ड सेट कर दिया मैंने, अब सेव करते हैं इसको। उसी जो भी मैंने इधर सेट किया तो आपको दिख रहा है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा चेंज करके सेव करता हूँ। ठीक है, तो हो गया ये। अभी क्या काम हो रहा है कि होम से डेटा रीड कर रहे हो, रीड करने के बाद डेटा आपका लोकल स्टोरेज में सेट कर रहा है। बट आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, ये फॉर्म का नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बट डेटा क्या हो रहा है कि जो लास्ट डेटा है वो रिप्लेस होकर नया डेटा हो रहा है। तो ये सब काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं कर्ड ऑपरेशन, मतलब डेटा सेव करने का, डेटा अपडेट करने का, डेटा डिलीट करने का, मल्टीपल डेटा सेव करने का, ये सारा प्रोसेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, सो आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।